अत्याग्रह ना होइले जर चिंता कृपे जाइबे। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हरिनाम करते समय हमारी जो इधर उधर की चिंता होती है, जो जड़ चिंता होती है, लेकिन जाएगा कैसे? बोले जब तक भगवान के नाम का प्रति तुम्हारा अत्यंत अत्यंत अनुराग नहीं हो, हरिनाम करने के लिए अत्यंत आग्रह नहीं हो, फिर ये जड़ चिंता जाएगा कैसे? देखो हम किस चीज में आग्रह करते हैं, देखो काम करने के लिए 10-10 घंटा करते ही नहीं, और जिस समय काम करते हैं ना पूरा काम में मन को आवेश कर देते, करते ही नहीं। कोई भी काम करो अगर मन लगा करके नहीं करो ना, वो काम आपकी सक्सेस नहीं है। 10-10 घंटा हम काम में मन को डुबा देते, डुबा देते, जानते हो हमें पैसा नहीं, बगैर पैसा से हमारे घर गृह से चलिए, बगैर पैसा से हमारी संसार चलेगी नहीं, तभी तो उसमें समय को देते हैं ना। लेकिन जब हमें ये पता चले भैया जीवन में अगर हमें शांति और सुख मिले या तो केवल भगवान के नाम से मिलेगा। ये दुनियादारी वस्तु सारा विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति अगर हमें मिल जाए, ये चीज हमें शांति सुख नहीं देगा, नहीं देगा शांति सुख। शांति सुख तो हमें देगा भगवान की नाम से ही। परम विजय जैसे कृष्ण संकीर्तन भगवान का नाम कीर्तन से ही जीव को परम शांति परम आनंद होगा। अगर जब ये चीज में हम समझ जाए क्या करेंगे, हम सारे इनाम की किसमें दे देंगे, भगवान के नाम पर। क्यों? भगवान का जो नाम है चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या है, जो मांगो में पूरी। देखो एक समय हमारे बड़े महाराज गए थे, पहले जिस समय गोवर्धन मठ बन रहा था, गिरिराज गोवर्धन मठ, रूप सनातन मठ जब गुरुदेव बना रहे थे, गुरुदेव पहले कहीं भिक्षा नहीं जाते थे, सारा दिन हरिनाम करते थे, भजन करते थे और इधर उधर नहीं जाते गुरुदेव, दो दो लाख लोग हरिनाम करते थे। गुरुदेव बोलते थे जब मंदिर बन रहा था गोवर्धन मठ, देखा है ना कितना करोड़ रुपया हुआ था, अभी अगर हिसाब लगा हो एक अरब का मंदिर होगा, तो एक मंदिर इतना, एक साधु जो कुछ काम ही नहीं करता, दिन भर केवल माला लेकर के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो कितना कष्ट होगा। देखो हम लोग घर भी चला लेते दिन रात एक करके इसी तरह से बीवी बच्चों को पाल रहे साधारण संसार। और देखो कितने गुरुदेव ने नवद्वीप मठ, देखो कितना बड़ा नवद्वीप मठ, देखो गुरुदेव बोलते थे जब मैं हरिनाम करता था कभी कभी मेरे दिमाग में आता था इतने पैसा कहाँ से लाओ, इतना बड़ा मंदिर तो शुरू कर दिया, नवद्वीप मठ कितना अरब खरब का पैसा होगा, गोवर्धन मठ कितना बड़ा, देखो कभी जब सोचता था हरिनाम करते करते भैया चिंता तो है ही, इतना बड़ा मंदिर कहाँ से होगा। गुरुदेव बोल रहे थे जब मैं हरिनाम कर रहा था जब थोड़ी चिंता किया ना, ज़्यादा चिंता नहीं किया, फिर थोड़ी सी चिंता किया, पानी कहाँ से सब भक्त लोग आने लगे, कहाँ से करोड़ करोड़ रुपया, कोई कोई भक्त लोग तो एक करोड़ रुपया कोई कोई भक्त। गुरुदेव कह रहे थे भैया ये सब चीज़ मिली कहाँ से, इसकी प्रभाव बोलिए हरिनाम, वो सब गुण पाए। हरिनाम का जो फल असली फल ये नहीं है, असली फल तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण दर्शन कृष्ण प्राप्ति, लेकिन उसका जो गौण फल में, उसका जो गौण फल साधारण फल में गुरुदेव ने कहे कितने बड़े बड़े मंदिर बनाने गए भैया, तो बिजनेस क्या करते थे गुरुदेव, केवल हरिनाम करते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जब हम ये चीज समझेंगे भैया ये हरिनाम से ही अगर जीवन में शांति सुख अगर जो कुछ मिलेगा ये हरिनाम से ही मिलेगा और किससे नहीं मिलेगी। और हरिनाम के द्वारा ही हमें कृष्ण दर्शन कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति हरिनाम से। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं उसी चीज में हम आग्रह बस सारे एनर्जी देते हैं जिसमें हमें फायदा होगा, जिसमें हमारी फायदा होगी। लेकिन जब ये चीज को समझेंगे सबसे ज्यादा फायदा तो प्रभु का नाम से होगा, ये तो चिंतामणि है,
सनातन गोस्वामी को हाँ पारस पत्थर मिला, पारस पत्थर को फेंक रहे थे कहाँ, बोले कूड़ा दान में फेंक रहे थे। बोले क्यों? उनको पता था कि जो हरि नाम है ये चिंता मणि, हरि नाम ये समन्वितक मणि, चिंता मणि वैदुर्य मणि, बहुत तरह तरह का मणि है लेकिन सबसे श्रेष्ठ ये चिंता मणि जो माधव को वही है। जब ये चीज को हम समझ करके जीवन का लक्ष्य के रूप में अपना नाम इसी से ही सब कुछ मिलेगा, फिर तो तभी तो हरिनाम में समय लगेगा ना। हम तो उसी चीज में समय लेते हैं जिसमें हमारी फायदा है, सबसे ज्यादा फायदा किसी में और किसी में है नहीं। इसलिए तेरे काय मान बाके श्री नामेर सेवा कर ले, श्री नामी परम मंगलमय स्वरूप प्रदर्शन करे। तो हरिनाम कैसे करना पड़ेगा? बोले काय मन और बात ये तीनों में है, ये तीनों को मिला करके क्या करना पड़ेगा? हरिनाम की सेवा। हरिनाम सेवा मतलब हरिनाम जब करना पड़ेगा तब क्या होगा? श्री नामी परम मंगलमय स्वरूप प्रदर्शन करे। भाई हरिनाम करते 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 नामी स्वयं कृष्ण तब साक्षात रूप में कितने नाम के बाले खींच आएंगे, आखिर एक दिन श्याम भाई से बड़ा हरि लगा। और ये नाम के प्रभाव से एक दिन जो नामी जो भगवान स्वयं अपनी आप टेस्ट हो जाए, इसलिए नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हर समय भगवान चिंता करते हैं भैया मेरे नाम की बदनामी होनी चाहिए, इसलिए भगवान हर समय इसी चिंता में रहते मेरे नाम कभी बदनाम ही ना हो। इसलिए प्रेम का दो लक्षण बताया, क्या लक्षण है? बोले सांतर नाम का विशेष आत्मा और श्री कृष्णा दर्शन से रूपो गोस्वामी कहते हैं प्रेम का ये दो लक्षण। पहला लक्षण किया जैसे दूध को गर्म करते 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 जैसे राबड़ी बन जाए, ऐसे ही हरि नाम करते 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 राबड़ी बन जाएगी। राबड़ी खाएगी भी राबड़ी कितने स्वाद है, फिर उसी तरह ये हरि नाम करते 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 जब प्रेमावस्था आएगा इतने आनंद इतने स्वाद मिलेगा वो हर समय जैसे श्री माधव द्रौपदी हर समय 24 घंटा हमारे गोस्वामी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। इसलिए माधव द्रौपदी के लिए कहते हैं वो किससे मांगने नहीं जाते थे, भगवत इच्छा से जो आएगा खा लेते थे। बोले भैया जब कोई इसने दिया कि फिर क्या करते, जब कोई नहीं देते फिर खाते कहाँ। तो जो भगवान का नाम जब करते हैं इसी नाम से ही रस निकलता है। कृष्ण नाम सुधा करिया पार, कृष्ण नाम को अमृत बताया, जब हमारी जीवा से शुद्ध नाम निकलेगा बास हर नाम करते समय तेज लगेगा, इसे नाम से अमृत निकलता, नाम से अमृत निकलता है। लेकिन अभी अमृत नहीं निकलता है, अभी हमें तो कौवा निकलता है, तब ये माला खत्म हो, माला खत्म नहीं होगा। क्यों? हमारे अनर्थ अपराध पाप है, पाप है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं नाम करते करते स्वयं नामी एक ही साक्षात अपना स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। इसलिए नाम ग्रहण करते करते अनर्थ अपसारित मिले श्री नामी रूप गुण लीला अपना भाई के स्फूर्ति है। वे कहते भगवान का नाम करते 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 पहले नाम, उसके बाद उनको रूप, फिर उनकी लीला, उनको परिकर, अपने आप हरि नाम करते करते अपने आप प्रकट होएंगे। इसलिए कहते कृत्रिम भाव में रूप गुण लीला स्मरण करता है वे ना, कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियल रूप में हरे कृष्ण ऐसे पूज्य राधारण को लेकर के लीला कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण कैया चलाते हैं, कृष्ण ऐसे दर्शन हो जाते हैं। आर्टिफिशियल चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, शुद्ध नाम प्रकट होने से अपने आप भगवान स्वयं अपने आप भागवत का लीला अपने आप प्रकट होगा। इसलिए श्री भागवत ने बताया एवं प्रकाश प्रिय
जातानुराग दुर्जीत उच्चै। तो जब नाम को हम अपना जीवन का सर्वस्व बना दें, नाम ही जीवन का सब कुछ है, एवं ब्रद स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग। हरि नाम करते 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 जब नाम में हमारी अनुराग हो जाए, नाम हमें अच्छे लग लग जाए, फिर क्या होगा? बल दुर्दचीत हो उच्चे, हरि नाम लेते ही हृदय दृढ़ हो जाए, आपके से आंसू की झड़ी आने लग जाएगी, आपका रोंगटे खड़े होने लग हो जाएगी। हरि नाम लेते लेते जब हृदय तुम्हारी दृढ़ होने लग जाएगी, फिर क्या होगा? फिर हसन त्याग कर हरि नाम करते करते फिर तो हा 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 हंसने लग जाए, जब पागल हो गया हंसना, बोले हाँ पागल हो गया, हाँ इसलिए कृष्ण प्रेम में पागल हो गया, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, ऐसे ही इनके हृदय में कृष्ण लीला अपने आप प्रकट होने लग जाए, कृष्ण की सारी लीला अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर उदाहरण देते हैं, वो हंसता है क्यों? बोले एक समय कृष्ण किसी गोपी को घर में मखाने चोरी करने गया है, वो गोपी सोचती है कृष्ण का मखाने खाते ही दरअसल तो एक झलक मिलता है, लेकिन कृष्ण जब चले जाते हैं ना बड़ा कष्ट होता है। बोले आज कृष्ण घर में बांध लेकर रखूंगी और पास में बैठी करके ना खूब उनको निहारूं, खूब उनको दर्शन करूं। इतने में गोपी ने मखन को रख करके एक कोने में छुप करके बैठ गए। कृष्ण आए, इधर देखे, उधर देखे, आगे देखे, पीछे देखे, बोले कोई तो है नहीं, मैं कोई है। कृष्ण धीरे 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 कृष्ण अंदर में धीरे धीरे गए और जा करके बात बकर खाना शुरू कर दी। वो भी सोच रहे हैं खाले तक मैं पकड़ूंगी, क्योंकि बनाया तो कृष्ण के लिए, और वो भी खुश हो रहे थे हमारी बनाना सार्थक कथा हो गया। क्यों आज भोपाल में उन्होंने मक्खन खाए, जब खा लिए इतने में वो गोभी जाकर झट पकड़ लिया, कहाँ जाओगे आज तेरे को मैं घर में बांध करके रखूंगी। बोले गोभी और नहीं आऊंगा, पहले तो छोड़ दो, कल से नहीं आऊंगा। बोले नहीं आज तेरे को मैं बांध करके रखूंगी। बोले तेरे सांस की पाँव कटता, तेरे नणंद की तेरे कसूंगी, छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ूंगी नहीं। बोले हाँ तेरे किसको पड़ी? अभी गोभी ने अपना जो रेशम का रस्सी से केस को बांध कर रखी थी उन्होंने उसको निकाली। जब बांधने के लिए गई भगवान का हाथ तो बड़े खोखे थे, मक्खन से भी ज्यादा खोखा, वो बंधे ही नहीं जाए, खिसल जाए खिसल जाए। कृष्ण ने कहा क्यों गोभी, तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब तक तो तू खुद बंधे नहीं जाओगे तब दूसरों को बांधोगी कैसे? बोले तेरे को क्या बांधना आता है? बोले और क्या, बोले थोड़ी सिखा दो, बोले रख हाथ रख, अभी तेरे को सिखाता हूँ। बस एक बार एक लपेटे, दो लपेटे, एक गांठ, दो गांठ और गुण गांठ अच्छी तरह से बांध दी। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो अपना प्रेम रज्जु में तेरे को क्या विश्व ब्रह्मांड को और बड़े बड़े जो ज्ञानी योगियों को भी अपना प्रेम रज्जु में बांध देता हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले भोगी अभी तक तो मैं किसी को खोलना सीखा ही नहीं, मैं तो बांधना ही सीखा है। बस अंगड़ा दिया है कृष्ण भागी। ये जब लीला वो देखने लगती है, बस ये लीला देखते ही बस उसका हृदय प्रेम में गदगद हो जाता है, हृदय प्रेम में गदगद हो जाता है उसका हृदय। इसलिए हा 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 करते 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 वो हंसना शुरू कर देती है। एक दिन कृष्णा और किसी गोपी को घर में गए मक्खन चोरी करने के लिए, हैं मक्खन चोरी करने के लिए कृष्णा गए। गए तो इतने में गोपियों ने देखा, हम तो बहुत कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए लेकिन किसी तरह से पकड़ ही नहीं आता। बोले अभी क्या करनी चाहिए? बोले देखो ये कब आता, कब खा कर चला जाता पता ही नहीं चलता, एक काम करो। बोले क्या? बोले छीके में एक बेल लटका, जब वो मखन खाएंगे बेल अपने आप बज उठेगी, फिर तो हम उसको पकड़ लेंगे। बोले हाँ ये बात सही, हाथ लगाए कृष्ण सखाओं को साथ में आए, देखा भैया ये बेल क्यों लटक रहा है, वो समझ गए मेरे को पकड़ने के लिए, उन्होंने फान रचाए। कृष्ण वो बेल से बात किया, बोले भैया तू है कौन? बोले मैं आपका सेवक हूँ। बोले मैं कौन हूँ?
बोले आप मेरे प्रभु हो, बोले बताओ ये सबों को क्या कर्तव्य है, बोले प्रभु का आदेश पालन करना, बोले देख जब तक अभी ये मक्खन खाता तब तक मैं बंधना नहीं, जब मैं मक्खन खाकर बन जाऊँ ना फिर तो बची हो, बोले ठीक है कोई बात नहीं। कृष्णा छीके से ऊपर से मटकी को उतारे, उतार करके जब खाने लग गई ना इतने बेल तो अपनी आप बज उठी, बोले क्यों बज रहे हो, बोले प्रभु का आपको पता नहीं जब तक तो खट्टी नहीं बजती ना तब तक तो भोग नहीं लगता है, तभी तो भोग लग गया बस कितने कृष्णा बस ना तो यार वो भी आप आते आते आए कहीं आया आग लगे तो कहीं आए ही नहीं वहां पर। कहते जब भगवान की बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लीला है उनके हृदय में दर्शन होने लगता है, क्या कि हरि नाम करते करते जब उनके लीला देखते हैं क्या करती हैं हा 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 करके हंसने लग जाती है। पहले उनका नाम है क्या उनकी ये रूप प्रकट होता है, उसके बाद उनको गुण और उनकी लीला है, नाम रूप गुण लीला हरि नाम करते 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 ये सब चीज अपने आप प्रकट होता है। इसलिए बोले हंसते अधर वो हंसने लग, बोले रोती कभी कभी वो रोने लग जाती, बोले रोती बोले जब प्रभु का लीला दर्शन मिले वो तो हंसती है, लेकिन जब भगवान फिर हृदय से अंतर ध्यान हो जाए फिर तो इतना दूर होता है, बोले पीड़ा भी इतना बकाल कुटता गर्भस निर्वासन कृष्ण दर्शन में इतने आनंद है, बोले कोटि ब्रह्मानंद नयतार एक बिंदु, बोले करोड़ ब्रह्मानंद मिल करके भी कृष्ण दर्शन में जो आनंद बराबर नहीं कर सकते, लेकिन विरह कितना है, बोले नवकाल कुट गर्भता निर्वासन जिस काल जहर जैसे हैं करोड़ करोड़ जैसे जहर का जो पीड़ा है, तो जैसे एक बिच्छू अगर किसको काटे ना इतने कष्ट सहन करना कठिन, लेकिन जब एक साथ में 10,000 बिच्छू एक व्यक्ति को काटते इतना उसको दूर होता है, इसलिए शरीर से प्रेम सहन नहीं होता है, इसलिए रोने लग जाते हैं, इसलिए रो 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 करके इतने अवस्था खराब हो जाते हैं। मानो कृष्ण विरह में प्राण त्याग दे देगा, कृष्ण ने देखा मुझे तो प्राण त्याग दे देगा, फिर कृष्ण दर्शन दे देते, फिर दर्शन देने पर भी आप नृत्य दी, फिर उन्होंने पिता गौर ब्रह्मानंद दे हरी हरि बोल, फिर तो उसने नाचना शुरू कर देती, हरे कृष्ण दर्शन हो गया कृष्ण दर्शन हो गया कृष्ण दर्शन हमने हो गया। इसलिए लोकवाच्य मतलब जब ऐसे कृष्ण प्रेम में उन्माद होता है कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। अभी आप रास्ता में अकेले अकेले कांते रोते हुए जा लोग क्या बोलेंगे पागल बोलेंगे ना, वे पागल उस समय सचमुच वो पागल है, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे विषय पागल हो गया अंगे विवेक धूमी, कब मेरी ऐसे स्थिति होगा लोग हमें पागल बोल करके अपना शरीर में धूल झोंकेंगे, क्योंकि उसी समय में उसका जो लीक है ना इस जगत में कोई संबंध नहीं रहता, संपूर्ण उसी जगत का चिंता में रहता, संपूर्ण शरीर में तन में कपड़ा है कि नहीं ये भी जैसे सुनते हैं गोस्वामी जब चल रहे थे शरीर में कपड़ा है कि नहीं उनको बताइए, रो रहे बच्चे धूल झोंक रहे स्त्रियाँ तो देख देख कर पागल हो रहे थे, कितने सुंदर है कितने सुंदर है, लेकिन ये दुनिया की कोई स्मृति नहीं, संपूर्ण भगवत दुनिया की स्मृति में उसी में ही वो डूबा हुआ रहता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियल रूप में कोई उनको लीला गुण को चिंतन करने का जरूरत नहीं कि हरि नाम करो, हरि नाम करते करते हृदय से जब सारे अनर्थ दूर हो जाएगी रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम होगा अपने आप हृदय में अपने आप प्रकट होगा। इसलिए बोले प्रेम का दो लक्षण है, क्या लक्षण है बोले शांतर नाम तो विशेष आत्मा श्री कृष्णा का संकर्षण, दूसरा गुण है भगवान को जैसे फूल खिलने पर भौरा फूल भौरा के पास में नहीं जाता, भौरा फूल के पास में चला जाता है,
उच्चतर हृदय में जब प्रेम प्रकट होगा, कृष्ण स्वयं कृष्ण रूपी भ्रमर खेचते हुए अपनी आप आकर के ये फूल को पर बैठ करके, मतलब हैं भक्त रूपी फूल में बैठ करके भगवान स्वयं की प्रेम को आस्वादन करना शुरू कर देते हैं भगवान। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, भगवान के नाम को अच्छे तरह से एक जगह पर बैठ करके मन लगा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस हरे नाम संकीर्तन, हरे नाम संकीर्तन की, सचिदानंद गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की जय, गुरुदेव प्रभुपाद की जय, गौर ब्रह्मानंद बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, ब्रह्मानंदे।
जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। हो परम राजतम पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी।